तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पबजी वाकई में बैन हो जाएगा। इस बार बैन तो हो ही जाएगा लग रहा है। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे यूट्यूब के कि पबजी बैन होगा क्या, क्यों पबजी बैन होगा, ये सारे वीडियोस क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इस बार वाकई में तलवार लटक रही है पबजी के ऊपर। तो जो बच्चे और जो बड़े जो भी एडिक्टेड हैं पबजी में, वो अपना ऑब्जेक्टिव ढूंढ ले। तो मैं इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, इसकी जगह पे आप क्या खेल सकते हैं, और अगर खेल ही रहे हैं इसकी जगह पे कुछ और, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप खेल रहे हैं पबजी की जगह पे। वैसे बता दें कि पबजी क्यों बैन हो सकता है। तो हम बता दें कि इससे पहले 29 जून को भारत सरकार ने 59 एप्लीकेशन, चाइनीज़ एप्लीकेशन पर बैन लगाया था, क्योंकि कुछ ही समय पहले गलवान घाटी पर जो हुआ था, लगभग 20 नौजवान हमारे शहीद हुए थे वहाँ पे, और कुछ इस तरह का चीन के साथ पंगा भी चल रहा था। तो प्रतिबंध करने की वजह है ऑपरेशनल एथिक्स, मतलब कि ऐप जो है यूज़र के डेटा को चीन की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाता है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। और साथ ही यूज़र की प्राइवेसी को भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2022 तक लगभग 44 करोड़ स्मार्टफोन यूज़र्स हो जाएंगे। तो ये जो है अभी डेटा का सुरक्षा करना ज़रूरी है, ये एक डेटा वार है। पहले जो विश्व युद्ध हुआ करते थे, उसकी जगह में अब डेटा वार होता है। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की कंपनी ने भी बैन करने के संकेत दिए हुए हैं ऐसे चाइनीज़ ऐप्स को। तो इस तरह से भारत सरकार ने 106 एप्लीकेशंस को बैन कर दिए हैं, जिसमें 47 ऐप्स जो थे वो पुराने ऐप्स के ही क्लोन थे। क्लोन मतलब कि उसी कोडिंग को यूज़ करके, थोड़ा कस्टमाइज़ करके, जैसे टिकटॉक लाइट, कैम स्कैनर लाइट, ये ला दिया गया था, इस तरह के एप्लीकेशंस ला दिए गए थे। तो इसको बैन कर दिया गया है। और अगर पबजी बैन होता है, जो कि हालांकि कोरियाई कंपनी के, बोलते हैं ब्लू होल कंपनी का ये स्वामित्व वाला है, लेकिन चाइनीज़ के टेंसेंट कंपनी की भी हिस्सेदारी है इसमें, और पबजी मोबाइल ने तो उन्होंने खुद ही डेवलप किया है। तो ये जो है वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, और उन एप्लीकेशन पर भी नज़र रखा जा रहा है जो कि बाहर के हैं लेकिन उनका सर्वर चाइना में है। तो इस तरह से भारत सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि एप्लीकेशन से संबंधित जो कानून है उस पर काम किया जाए और कानून बनाया जाए। अगर इन कानून को कोई तोड़ता है, तो उस एप्लीकेशंस को उसी के जरिए जो है बैन किया जा सके। तो आप क्या सोचते हैं, ये बैन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और इनमें से कौन कौन से एप्लीकेशंस और भी हैं जिन पर पबजी के अलावा बैन होने के लिए तलवार लटक रही? तो देख लेते हैं। तो है अली बाबा ग्रुप का अली एक्सप्रेस, रेसो और बाइट डांस का यू लाइक ऐप भी शामिल है, और शाओमी का जिली। तो इस तरह के और भी एप्लीकेशन जो है इसमें शामिल है। तो ऐसे कंपनियों पर भी नज़र रखा जा रहा है जिन पर चीनी कंपनी अपने पैसा लगाता है। तो चीनी ऐप्स पर आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत कार्रवाई की गई है, और 47 एप्लीकेशन बैन कर दिए गए हैं। और पबजी बैन होता है कि नहीं, ये इस बार तो खतरा लग ही रहा है। इससे पहले सब बोल रहे थे अगर टिकटॉक बैन हो सकता है तो पबजी भी बैन हो सकता है। इतना बड़ा यूज़र था टिकटॉक का, यूज़र बेस था, उसके बाद भी उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव बता दूँ, तो आप खेल सकते हैं पबजी जैसा ही है, कॉल ऑफ ड्यूटी, उसके अलावा है फ्री फायर, इस तरह के और भी गेम्स हैं जिसको आप खेल सकते हैं। और माता पिता भी परेशान थे इसकी लत से, बच्चे जो है वो काफ़ी एडिक्ट हो गए थे और लगातार इस पर खेलते थे, कुछ लोग तो आत्महत्या करने की कोशिश भी किए थे। तो कुछ स्टेट्स में इसको तो बैन कर भी दिया गया था कुछ ही कुछ समय के लिए, लेकिन पबजी ने जो है कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर, पेरेंट्स के साथ मिलकर, एजुकेटर्स के साथ मिलकर इस पर काम करने की बात कही थी, और इस पर कुछ जो है सॉल्यूशन निकालने की बात कही थी। तो फिर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार भारत सरकार अगर बैन लगाती है तो पबजी तो गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही आपको कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। पबजी वाले गाली मत दे भाई, क्योंकि पबजी जो है वो बैन हो सकता है, ऐसा भारत सरकार की तरफ से निर्देश आ रहे हैं। तो हमने तो सिर्फ बताया, उसके अलावा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।